नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? 2019 का साल जल्द ही खत्म होने वाला है, मात्र एक महीना शेष रहा है और 2020 का साल दस्तक देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2020 बहुत ही जल्द आने वाला है और कुछ ही समय बाकी रह गया है और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 2020 आपके लिए किस प्रकार से रह सकता है, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आपके लिए खराब रहेगा और किस तरह से आपको अपने फील्ड में अपने हर एक जगह आपको 2020 का साल निकालना है। आपकी राशि के लिए तीन वीडियो यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे आपको। प्रत्येक राशि के लिए तीन वीडियो बनाए गए हैं मैंने 2020 के लिए। पहला एक वीडियो बनाया गया है मैंने फाइनेंशियल और करियर ग्रोथ के लिए, करियर लाइफ के लिए मैंने बनाया है। दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया है वो पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ और लव लाइफ के लिए बनाया है। मैरिटल लाइफ, पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। और तीसरा एक वीडियो आपको मिलेगा हेल्थ के लिए, आपकी 2020 में हेल्थ किस प्रकार से रहेगी, एजुकेशन सेक्टर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, ये आपको एक वीडियो मिलेगा। जो टोटल आपकी राशि के लिए तीन वीडियो हैं। अगर आप सिर्फ यही एक वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको बाकी की दो और वीडियो देखने हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं आपके वीडियो से रिलेटेड, और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से 2020 का राशिफल आपके लिए किस प्रकार से होगा, आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए करियर एंड फाइनेंस किस प्रकार से रहने वाला है, क्या उन्हें करना पड़ेगा इस साल करियर फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए, और किस प्रकार से करियर की ग्रोथ उनकी रहेगी इस साल। फ्रेंड्स, मिथुन राशि वालों के लिए जो ये साल है कुछ खुशियां और कुछ चुनौतियां लेके यहां पर आने वाला है और इन्हें बहुत ही ज्यादा बैलेंस बनाकर इस साल को निकालना पड़ेगा ताकि जीवन में इन्हें जो पूरा साल है इसमें इन्हें कोई भी ज्यादा तकलीफ, ज्यादा परेशानी, ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर नहीं आए। साल के शुरुआत में क्योंकि 24 जनवरी को शनिदेव अपने 8वें घर से अपनी राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका जो असर रहेगा मुख्यतः इनके कार्य क्षेत्र पर जरूर यहां पर रहेगा। तो 2020 का जो साल है ये इनकी करियर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने के आसार रहेंगे। स्टार्टिंग का जो साल रहेगा, शुरुआत का जो महीना रहेगा, वहाँ पर थोड़ा सा सामान्य रहेगा। प्रयास अगर ये करते हैं तो थोड़ा सा फल मिलने की उम्मीद यहाँ पर हम रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा इन्हें फल यहाँ पर नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं इन्हें डट कर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इन्हें अच्छे फल यहाँ पर मिल सकते हैं। तो जनवरी का जो महीना रहेगा वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा कहीं ना कहीं, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल यहाँ पर मिलते हुए आप देख सकते हैं। इसी के साथ बृहस्पति गुरु का जो गोचर है वो 7वें भाव में आपकी साझेदारी या आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है यहाँ पर। तो अगर आप पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतेगा आपके पार्टनरशिप बिजनेस में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और साल के मिड के अंत का जो समय रहेगा, जैसे जून जुलाई के बाद से लेके सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उत्तम फल देने वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा। शुरुआत का समय जनवरी फरवरी और अंत का समय नवंबर दिसंबर जो है आपका थोड़ा सा यहाँ पर कष्टदायक रहने के आसार रहेंगे, थोड़ा चैलेंजिंग रहने के आसार रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है ताकि आपका नुकसान किसी भी तरह से ना हो। ओके, अब बात करते हैं कि करियर के साथ साथ आपको अगर नया कोई बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए। ओके, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, शुरुआत के महीने में जनवरी और फरवरी महीने में कुछ भी नया काम करने से पहले दो बार सोचें, अच्छे से कैलकुलेशन करें, अच्छे से प्लानिंग करें, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन करें, उसके बाद ही आप अच्छे से बिजनेस को रन कर पाएंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। दूसरा फ्रेंड्स, ये बात एक बात ध्यान रखिएगा कि साल की शुरुआत में आपको बहुत सारी सलाह मिलेगी, बहुत सारी एडवाइस मिलेगी, बहुत सारे सजेशंस मिल सकते हैं, पर सुने सबकी करें मन की, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिएगा, नहीं तो कहीं नहीं किसी और की बात में आकर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अप्रैल मई वाला जो महीना रहेगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर आप अपने मन से अगर कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे से यहाँ पर सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो 2020 का जो साल है वो आप अगर नया कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा साल है, बट थोड़ा सा संभल के और एक प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप करना चाहते हैं तो बेशक आपके लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा।
अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब आपकी बाहर लग रही है और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल है यहाँ पर। आप डेफिनेटली यात्राएं कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ को यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं और प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 2020 देखा जाए तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा साल रह सकता है। पॉलिटिक्स से आपको बचना है इस साल, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिक्स से आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा के रखना है। और खासकर अगर आप कोई टीम लीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा आपके पास, तो उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को बचा के रखना है जिससे कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपको यहाँ पर ना उठानी पड़े। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल है, मेडिकल फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला साल रहेगा और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा मार्जिन आप एक अपनी लाइफ में यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल लाइफ और फाइनेंशियल सेविंग किस प्रकार से रहेगी आपकी, ये मैं आपको इस वीडियो में अभी बताता हूँ। यहाँ पर जो भी आप करें, सोच के समझ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ पूरा विचार करके पूरा सोच के उसके बाद ही कदम उठाएं, नहीं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं, कहीं पैसा रख रहे हैं, काफ़ी सोचें फिर उसके बाद उस दिशा में आप कदम यहाँ पर बढ़ाएं। जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च का जो समय रहेगा वो सेविंग के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कहीं कर सकते हैं बड़ा यहाँ पर, और वहाँ जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छी चीज़ के लिए ही यहाँ पर आपका होगा। मिड में, जून जुलाई के महीने में आप इन्वेस्टमेंट ना करें वो आपको थोड़ा सा परेशानी देगा, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा जून जुलाई में इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। आर्थिक मामलों में चुनौतियों से बचने के लिए आपको शनि देव की आराधना करनी है इस साल, और शनि देव का बहुत ज़्यादा ध्यान करें आप, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलेगा। खासकर मिड के साल के मिड में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। अंत में आप देखिएगा जैसे जैसे अगस्त का महीना निकलेगा और सितंबर अक्टूबर नवंबर आएगा, वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, यहाँ पर चीज़ें और अच्छी होती जाएगी आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको कहा, फॉरेन जाने के चांसेस आपके बनते हैं, साथ ही साथ फॉरेन में इन्वेस्टमेंट के और फॉरेन करेंसी को इंडिया में लाके अपना बनाने की भी चांसेस आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो ये आपको फॉरेन ट्रांजिट का समय थोड़ा सा रहेगा। फॉरेन में अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल लेवल पे लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और फॉरेन में अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी यहाँ पर खत्म होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फाइनेंशियली ग्रोथ यहाँ पर फॉरेन में बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो आपको फॉरेन की तरफ थोड़ा सा अपना मूव ऑन करना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पर इंक्रीज करना चाहिए। मिथुन राशि वाले अगर शेयर मार्केट, सट्टा बाजार और गोल्ड में या सिल्वर में या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, और तो आपको अगर लॉटरी में जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। शनि और गुरु का जो कंजक्शन यहां पर बन रहा है ये आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता ऐसे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। मेहनत का फल मिलेगा, फ्री का पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। गांठ बांध दे इस साल आपको कि मेहनत का, जितना मेहनत करेंगे उतना आपको प्रॉफिट, उतना आपको फायदा होता जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी फायदा इस साल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ 2020 का जो साल है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से अपने करियर एंड बिजनेस में ग्रो करेंगे, कोई भी नुकसान आप यहाँ पर अपना नहीं होने देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इस जानकारी के बेस पे आप 2020 का जो अपना साल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपने दो वीडियो और दूसरे देखना चाहते हैं अपनी राशि से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका 2000 साल बहुत ही ज़्यादा मंगलमय, बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ बीतेगा। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा और अगर कमेंट भी करना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को अच्छे से देख पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ जो आपकी पसंद का हो, या आप किसी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश पूरी यहाँ पर करूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और आप पर्सनली जानना चाहते हैं कि 2020 का साल आपके लिए किस प्रकार से रहेगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।